हाय फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल रईसा की प्यार से भरी प्यारी सी दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में कि आगे मैं बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में कि हम दोनों कहाँ जा रहे हैं, तो आज हम आए हैं मच्छी मार्केट और मैं काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ। और यहाँ पर अजमा जो है बहुत दिन से मुझे बोल रही थी कि पापा से कहकर मच्छी मंगवा लेना, बट हो ही नहीं पा रहा था। अजमा के पापा को टाइम नहीं मिलता इस वाली मच्छी मार्केट में आने का। जब टाइम होता है तो वो लाकर दे देते हैं, अगर टाइम नहीं मिल पाता है तो नहीं लाते हैं। और जो घर के पास मच्छी आती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसी होती है कि उसको खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, इतनी फ्रेश होती ही नहीं है वो, तो कभी कभार हमें मतलब भूल चुक कर मिल जाती है। तो बस अभी इस वाले मार्केट में आए हैं और है आप देख सकते हैं पॉपलेट है, किंगफिश है और यहाँ पर बहुत सारी है जिसके नाम भी मैं नहीं जानती, रैब है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बस यहाँ पर आप देखते जाइए और व्लॉग को एंजॉय करते जाइए। पर हमने पहले पहले कुछ भी लिया नहीं है, मतलब जैसे हमने एंटर किया तो हम यहाँ पर सारी जगह पे मतलब हर मच्छी का जो शॉप है वहाँ पर गए, देखे हर चीज़ जो भी हमें पसंद आ रही थी सब देखा हमने, पूरा एक अच्छे से चक्कर लगाया, फिर बाद में जाकर हमने सोचा जो हमें चाहिए वो लेना चाहिए। तो फिर यहाँ पर हम पहले चक्कर ही लगा रहे हैं। और यहाँ पर जो आंटी आई थी वो मतलब जो मछुआरे होते हैं, जो बेचने वाले होते हैं, वो मतलब जैसे जाकर हम लोग पूछ रहे थे ना, तो वो तुरंत पैक करने के लिए रेडी हो जा रहे थे। हम लोग जो लेना नहीं चाहते थे वो भी वो मतलब थोप दे रहे थे, ऐसा हो रहा था। तो यहाँ पर बस हम देख रहे हैं जब हमें पसंद आएगा जो चीज़ पूरा राउंड लगाने के बाद, तब हम वापस आकर फिर लेंगे। यहाँ पर देखिए मच्छी मार्केट में दो सेक्शन है, अब हमने एक सेक्शन तो देख ही लिया, यहाँ पर अभी हम जा रहे हैं दूसरे वाले सेक्शन में जहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉप नहीं थे, बस थोड़े बहुत यानी कि 4 से 5 ही होंगे। तो यहाँ पर अभी देख रहे हैं, अगर यहाँ पर हमें पसंद आता है, यहाँ पर मच्छी हमें अच्छी लगती है, फ्रेश लगती है, तो हमें ले लेंगे। अब हम यहाँ पर उसी सेक्शन में आए हैं जहाँ पर हम पहले आ चुके हैं, मतलब आकर गए एक चक्कर लगाया, तो फिर वापस हम आए हैं जहाँ पर हमें मच्छी फ्रेश लगी, जहाँ की मच्छी मतलब हमें थोड़ी सी सस्ती लगी, तो वहाँ पर अभी देखेंगे और वहाँ पर ले लेंगे। अब हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ पर हमने मतलब एंटर किया था, एंटर करते के साथ ही हमें फ्रेश लगी थी, उस वाले शॉप में जा रहे हैं, वहाँ की मच्छी हमें अच्छी लगी थी।
देखिए फ्रेंड्स, अभी हम मच्छी हमने ले ली है, जितनी हमें जो हमें चाहिए थी वो मिल गई है, काफ़ी अच्छे प्राइस में बोल सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मच्छियाँ बहुत ज़्यादा महंगी थी, और पॉपलेट जो है काफ़ी ज़्यादा, मतलब 1200 रुपये का एक बाटा, मतलब उसमें 10-12 पीस या फिर 8-10 पीस आने वाले थे, उतनी मच्छी थी। और यहाँ पर हम मच्छी जो है ना कटवा कर ले जा रहे हैं, क्योंकि वैसे तो मैं घर में काट लेती हूँ, मैं ही साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन आज जो है मैं मुझे ना टाइम नहीं मिलने वाला था, क्योंकि अचानक से बाहर निकले थे, घर के सारे काम मैंने ऐसे ही छोड़ रखे थे, घर में कुछ काम किया नहीं था। इवन मैंने घर की जो डेली की हमारी डस्टिंग होती है, बिस्तर वगैरह अच्छे से साफ़ करके घड़ी करके रखना होता है, वो भी मैंने किया नहीं था। तो इस वजह से अजमा के पापा को बोला कि घर के काम छोड़कर मैं आई हूँ अधूरे, तो मुझे घर जाकर ये करने के लिए तकरीबन 2 घंटे तो लगेंगे मच्छी को साफ़ करने के लिए, तो 1.5 घंटा तो लग ही जाता है। तो फिर मैंने कहा कि यहीं से साफ़ करवा कर ले जाते हैं, क्योंकि मुझे घर जाकर बहुत बहुत काम है। तो इस वजह से उन्होंने कहा चल ठीक है, यहीं से साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर बिल्लियाँ थी काफ़ी ज़्यादा, अंदर भी बहुत बिल्लियाँ थी जहाँ पर हम मच्छी खरीद रहे थे, और यहाँ पर भी थी, और मुझे बहुत ज़्यादा बिल्लियों से डर लगता है, लेकिन फिर भी मैंने शूट किया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे जो है मच्छी को साफ़ करने वाले लोग हैं, और ये जो है पहले अंदर जहाँ पर मच्छियाँ खरीदते थे उनका एक अलग सेक्शन बनाकर उनको वहीं पर दिया गया था, लेकिन वहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा गिरता है, वो साफ़ करते हैं, तो अंदर भी इसी तरह से मच्छियों का काफ़ी ज़्यादा पानी, गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इस वजह से उनको अलग करके दिया है। मतलब मच्छी खरीदने का सेक्शन अलग है, और मच्छी को कटवाने का सेक्शन जो है पूरा ही बाहर आना पड़ता है। तो बस यहाँ पर अभी हमने उनको दे दिया है, और यहाँ पर ना ये देखिए आप देख सकते हैं ये फॉरेनर्स हैं, और अजमा के पापा बता रहे थे कि ये मतलब अबाव 90 होंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिट होते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉमेडियन थे, जो मछुआरे मतलब जो यहाँ पर साफ़ करने वाले हैं ना, उनको काफ़ी ज़्यादा उनके साथ मस्ती कर रहे थे, कॉमेडी कर रहे थे, पता नहीं क्या क्या बातें उनकी हो रही थी। वो लोग भी मतलब जैसे हम इंडियन में बहुत ज़्यादा मतलब इंग्लिश नहीं आती है, तो टूटी फूटी इंग्लिश में ही वो बात कर रहे थे, और वो भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे इंडियंस के साथ में, तो अच्छा लगता है। तो बस मैंने ऐसे सोचा कि चलो कैप्चर कर लेते हैं, और उन्होंने भी मना नहीं किया, मेरा कैमरा भी उन्होंने देखा, और उन्होंने खुशी से देखे यहाँ पर, उन्होंने कुछ बोला नहीं, और मैंने कैप्चर कर लिया ऐसे ही। बस यहाँ पर अभी हम भी अपनी जो मच्छी है वो साफ़ करवा लेंगे, और यहाँ से निकल जाएंगे घर के लिए। तो वो बस अभी हमारी जो मच्छी है वो साफ़ हो चुकी है, तो अब हम जा रहे हैं घर के लिए, तो चलिए चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये है रविंद्र भवन, और अजमा का जो एनुअल डे था वो यहीं पर था, तो बस मैंने सोचा चलो आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर लेते हैं। साथ में यहीं पर स्टेडियम भी है, ये जो है स्विमिंग पूल है, तो यहाँ पर फातोड़े का स्विमिंग पूल है, इसके आगे थोड़ा सा एक ग्राउंड है जहाँ पर जॉगिंग वगैरह करते हैं, और इसके आगे स्टेडियम भी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है स्टेडियम, तो आपको पता चल गया होगा कि हमारा जो एरिया है वो कितना खूबसूरत और कितना अच्छा है।
तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग घर आ चुके हैं। तकरीबन अभी 5 मिनट ही हुए हैं घर आए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बज रहे हैं, 12 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। तो हम लोग घर से गए थे 11:45 को गए थे, तो आ चुके हैं। वहाँ से हमने मच्छी लाई जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, दिखाया है मच्छी की मार्केट। इस बार गए थे तो मच्छी सोचा, पहले से हमारा प्लान था कि अजमा के पापा को मैंने कल ही बोल दिया था कि आज मच्छी लेकर आना। इस वजह से मैंने आज सुबह सुबह जो मैं उठकर कुकिंग कर रही हूँ वो नहीं किया, और सोचा कि चलो मच्छी लाना पड़ता है ना, मच्छी की कड़ी बनाएं, मच्छी मिले ना मिले, इस वजह से मच्छी की कड़ी बनाने के लिए सारी तैयारी करनी पड़ती है। और सोचा कि चलो मच्छी जब मिलेगी तो कुकिंग करेंगे, वरना मैं सुबह में उठकर 5 बजे कुकिंग कर रही थी, जैसे कि पिछले ब्लॉग में मैंने शेयर किया है। तो वही सोच रही थी, बस क्या ही कर सकते हैं, जिस काम के लिए हम लोग गए थे ना, मैंने घर में ही सोचा था कि अगर वो काम जो हमारे हक में अगर अच्छी चीज़ है, उस काम से हमारी बच्ची और हमारा सही होता है, तो वो काम अगर हमारे हक में है तो वो हो जाए, अगर नहीं है तो ना हो। पहले से ही मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया था, दिल में ठान कर गई थी, और यहाँ से जाते हुए बहुत ही ज़्यादा घबराहट थी। सब जिस काम के लिए हम लोग गए थे वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, काम था जो कि नहीं हो पाया जिस काम से हम लोग गए थे, और दिल में पहले से ही ठाना हुआ था कि मतलब मेरे दिमाग में ये था कि अगर अल्लाह ने हमारे हमारे हक में वो रखा है, वो काम अगर नसीब में है तो वहाँ पर वो चीज़ मिल सकती है, अगर वो नसीब में नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो हम लोग गए तो थे बट हमारा वो काम नहीं हुआ, तो फिर हम लोग वहाँ से वापस आए हैं। फिर वापस तो नहीं आए, खैर मैंने आपको दिखाई मच्छी मार्केट किस तरह से होती है गोवा में, और वहाँ पर कोई फॉरेनर थे तो उनके साथ कोई मस्ती कर रहे थे, जो मच्छी कटिंग करते हैं उनके साथ वो लोग मस्ती कर रहे थे, तो वो भी थोड़ा बहुत शेयर किया है, ज़्यादा कुछ नहीं शेयर कर पाई। जब ज़्यादा वो मस्ती कर रहे थे तो तब मेरा कैमरा ऑफ था, तो मुझे उनकी मस्ती अच्छी लगी तो मैंने कैमरे को उठाया, फिर वो लोग मस्ती करना थोड़ा सा स्टॉप किया उन्होंने, और हमसे भी थोड़ा हाय हेलो कर लिया। फिर इसके बाद हमने मच्छी साफ़ करवाई और वहाँ से आ गए। मुझे पता था कि यहाँ पर आने के बाद काफ़ी ज़्यादा टाइम होने वाला है, तो मच्छी को जो है हम साफ़ करके ही घर लेकर आएंगे। तो यहाँ पर अभी मच्छी को साफ़ करके लेकर आए हैं, अभी बनाना है, मच्छी की कड़ी बनेगी, मच्छी का ड्राई, मैं वो चिल्ली बनता है वो बनाऊंगी, ड्राई चिल्ली बनाऊंगी, फिर इसके बाद सूखा भी बनाऊंगी। और तो आज काफ़ी दिन बाद मच्छी आई, वैसे तो गोवा में रहते हैं, मच्छी ना आए हमारे घर में, मतलब ऐसा सुन के भी ऑकवर्ड लगता होगा आप लोगों को कि हम लोग गोवा में रहते हैं और कभी कभार ही हमारे घर में मच्छी आती है, क्योंकि यहाँ पर देखो मच्छी जो घर के सामने आती है वो कभी कभार फ्रेश होती है, और ऑलमोस्ट समझ लो कि रोज़ का रोज़ ही वो मच्छी फ्रेश नहीं होती है, कभी कभार ही फ्रेश मिलती है। और अगर खाने पीने की चीज़ें हैं तो अजमा को पसंद है, अजमा को याद आ रही है, तो मैं पहले ही मंगवा लेती हूँ। अगर खाने पीने की चीज़ें नहीं है, खेलने पीने की है, ऐसी चीज़ें अगर वो याद करती है बहुत ज़्यादा, तो मैं उसको नहीं दिलवाती हूँ, क्योंकि देखो जिस चीज़ में हमारा फ़ायदा हो, अगर अजमा खाएगी तो हमें हमारा भी फ़ायदा है, जो चीज़ अजमा खाएगी जो हेल्दी चीज़ें खाना पसंद करती है, तो इस वजह से मैं उसको तुरंत के तुरंत मंगवा कर कुकिंग करके दे देती हूँ, ताकि वो खुशी से खा ले। जिस दिन मच्छी बनती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, तो अभी वो आएगी तो बहुत खुश होगी। कल ही मैंने अजमा के पापा को बोला था, आज हम गए थे वहीं पर गए थे, तो इस वजह से लेकर आए हैं, काफ़ी फ्रेश वाली मच्छी है, साफ भी मैंने करा दी, वरना मैं घर लाकर मैं साफ़ कर लेती, लेकिन टाइम ज़्यादा होने वाला था, कुकिंग भी करनी है, मसाला भी बनाना है, मच्छी को मसाला लगाकर मैरिनेट करना है, सारी तैयारी करनी है, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो मच्छी को साफ़ करके ही ले जाते हैं। तो इस वजह से उनके पापा को बोला आजमा के कि चलो यहीं से साफ़ कर लो, मुझे घर जाकर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, अभी मच्छी को साफ़ करने के लिए मतलब धोना भी है उसको, उन लोगों ने साफ़ तो कर दिया है, उसका जो भी अंदर का कचरा होता है वो निकाल कर दे दिया है, बस मुझे अभी अच्छे से साफ़ करके अच्छे से 2-3 पानी से धोकर मसाला लगाना है, बाकी सारी तैयारियां करनी है। तो चलिए
कल सुबह में 5 बजे उठकर मैंने कुकिंग की थी, फिर इसके बाद अजमा को भेजा, सारी चीज़ें मेरी मतलब सॉर्ट हो गई थी, जल्दी 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 से सारे काम हो रहे थे। और मैंने काफ़ी ज़्यादा कपड़े जो है स्टिच कर लिए हैं कल। ये जो बैग आपको दिख रही है ब्लू ब्लू वाली, ये सारे कपड़े स्टिच करके रखे हैं, बस कस्टमर को कॉल कर दिया है, जब वो आएंगे तब वो उनको दे देंगे। तो कल मैंने पूरा दिन अच्छे से यूटिलाइज़ किया है, क्योंकि कुकिंग मैंने पहले ही कर ली थी, तो मैंने सारे पूरे दिन को अच्छे से यूटिलाइज़ कर लिया, क्योंकि मुझे कुकिंग के इसी वजह से मैंने कुकिंग की थी, ताकि मैं स्टिच कंप्लीट कर लूँ। और अब भी वहाँ पर आप कपड़े देख सकते हैं।